नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश अडवाणी स्वास्तिक पिग फार्म हनुमानगढ़ राजस्थान से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कृषि जागरण का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे आपके समक्ष बोलने का मौका प्रदान किया, और सभी कृषि जागरण के दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं हमारी पिगरी लाइन के बारे में कुछ शुरुआत से बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे बारे में पूरी जानकारी दे दूँ। मेरा नाम सतीश कुमार अडवाणी है, मैं हनुमानगढ़ राजस्थान का रहने वाला हूँ। हनुमानगढ़ राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है। अब मैं आपको मेरे काम के बारे में बताऊँ। बेसिकली मैं एक पिग फार्मर हूँ और एक इंस्ट्रक्टर भी हूँ। हम जो है पिगरी लाइन में अप्रॉक्सीमेटली 6.5-7 साल से हैं, और हमारा लास्ट 2.5 सालों से हमारा इंस्टीट्यूट भी है। तो हमारे इंस्टीट्यूट में पूरे भारतवर्ष से हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आते हैं। अभी तक 280 प्लस फार्म हम हमारे बलबूते पर इस्टेब्लिश करवा चुके हैं पूरे भारतवर्ष में। आउट ऑफ इंडिया से भी हमारे पास यहाँ पर खूब ट्रेनिंग लेने आते हैं। अब मैं आपको पिगरी के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ कि पिगरी किस प्रकार का सेक्टर है और आप इसमें किस प्रकार जो है एक बेहतरीन काम करके एक बहुत अच्छी आप अर्निंग प्राप्त कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप पिग की बात करेंगे तो पिगरी में ऐसा होता है कि इसका एक जेस्टेशन पीरियड बहुत कम होता है, यानी कि इसका गर्भकाल बहुत कम होता है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, यानी कि 3 महीने 3 सप्ताह 3 दिन का इसका जो है गर्भकाल होता है, 114 दिन का इसका गर्भकाल होता है। और दूसरी बात, इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। एक बार में एक ब्यांत में 8 से लेकर 12 बच्चे औसतन ये देता है, और जो बच्चा आज पैदा हुआ है उसको आप 5.5 से लेकर 6 महीने में आप उसको क्रॉस करवा सकते हैं, और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, फैटनर का प्रोडक्ट बनता है, वो लगभग आपका जो है 7 महीने में रेडी प्रोडक्ट हो जाता है। अब इसमें खूब सारी ब्रीड्स भी हैं, बट जो हम जिस ब्रीड में डील करते हैं वो लार्ज वाइट यॉर्कशायर ब्रीड है। और पिगरी एक ऐसा व्यवसाय है, ऐसा सेक्टर है, ऐसी इंडस्ट्री है, इसमें कभी आपको मुसीबत का सामना नहीं देखना पड़ेगा, बशर्ते आपका मैनेजमेंट एकदम प्रॉपर है। तो अगर आपका मैनेजमेंट, आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, आपके नस्ल का चुनाव एकदम प्रॉपर है, तो यथासंभव आप इसमें बहुत अच्छी आमदनी कर सकते हैं। अब आपको जो है बात की जाए कि इसमें अर्निंग कितनी हो सकती है, ये निर्भर करता है कि आप कितने पशुओं से कर रहे हैं और कौन सी नस्ल से कर रहे हैं। अगर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में अगर बात की जाए, तो सबसे बेहतरीन जो नस्ल है इसमें प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो, FCR भी जो है बेहतरीन हो, और जो है वो उसकी देखभाल करना भी सहज हो, बीमारियां भी जिसमें कम लगें, तो वो लार्ज वाइट यॉर्कशायर एक बहुत अच्छी ब्रीड है, बहुत बेहतरीन ब्रीड है। दूसरी बात, आप जो है कई यूट्यूब्स पर या कई आप ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ वीडियो देखते हैं, आप किसी भी पिग फार्मर से आप ये बात पूछ सकते हैं कि उनको माल बेचने में कितनी समस्या आती है मार्केट की। वैसा कुछ भी नहीं है, इसकी ह्यूज डिमांड है, बहुत बड़े लेवल की डिमांड है। अगर वर्ल्ड वाइड की बात की जाए तो आज पूरी दुनिया की आबादी अप्रॉक्सीमेटली 850 करोड़ है लगभग, और जो पोर्क है, सुअर के मांस को पोर्क बोला जाता है, पोर्क बोला जाता है बेसिकली। सो इसकी जो अगर खपत की बात की जाए तो 450 करोड़ प्लस लोग इसका नित्य सेवन करते हैं। बहुत ह्यूज मार्केट है, बहुत ह्यूज मार्केट है। सो कहने का भाव ये है कि आप एक ऐसे व्यवसाय में आएंगे, अगर आप पिगरी क्षेत्र में आते हैं, जिसका कोई कंपटीशन नहीं होगा। होता ये है कि अगर मैंने कोई शॉप खोली है, मेरी शॉप के बगल अगर कोई उसी प्रकार की कोई और अगर कोई दुकान खुल जाती है, तो ऑब्वियसली मेरी जो है मार्केट डाउन हो जाएगी, मेरी सेल कम हो जाएगी। बट पिगरी में ऐसा है, आपके बगल में चाहे 100 पिग फार्म खुल जाएं, आपके रेट बूस्ट ही होंगे, कभी कम नहीं होंगे, क्योंकि इसकी डिमांड इस प्रचुर मात्रा में है जिसकी एक व्यक्ति या एक संस्था कभी पूरा नहीं कर सकती है, एक शहर को भी पूरा नहीं कर सकती है, स्टेट और देश तो बहुत बड़ी बात है। अब हम बात करेंगे इसकी जानकारी के बारे में कि पिगरी की जानकारी, सही जानकारी कहाँ से ली जाएगी। देखो दोस्तों, आप भारत के किसी भी क्षेत्र से हैं, किसी भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट से हैं, तो आपको अगर आसपास अगर आपके कोई सरकारी पिग फार्म है तो आप वहाँ पर जाकर भी सूचना ले सकते हैं। अन्यथा मैं कृषि जागरण के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारा जो है वो एक YouTube चैनल भी है स्वास्तिक पिग फार्म करके, आप वहाँ पर भी इसकी खूब सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और इस पिगरी में बहुत अपार संभावना है आपकी सफलता की, और आप इसको बहुत ही छोटे इलाके में, बहुत ही बंजर इलाके में भी आप इसको कर सकते हैं।
फिर निर्भर ये करता है कि आपका मैनेजमेंट और आपका जो है ट्रेनिंग किस प्रकार की है, जिसके चलते आप अपना जो है इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। बहुत शानदार इनकम है, बहुत बेहतरीन आसार हैं आपके फ्यूचर के। इसमें अगर आपने एक बार अपना काम स्टार्ट कर दिया तो यथासंभव आपको काम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पिगरी लाइन एक ऐसा है जिसमें आप किसी भी एरिया में, एक छोटे से एरिया से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे से आप इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, उसको फिर आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते खूब सारा बढ़ा सकते हैं। और जो है इसकी खूब सारी जानकारियां हैं सोशल मीडिया पर। ये जो है पिगरी लाइन है, ये हमारे इंडिया में बहुत पुराना काम नहीं है, मतलब कि बहुत पुराना काम यानी कि पुश्तैनी तौर पर जो ट्रेडिशनल तरीके से तो बहुत लोग पालते हैं, बट वो तरीका कन्वेंशनल फार्मिंग में नहीं आता है। हम जो कर रहे हैं वो कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे हैं, जिसमें जो है वो उनका पर्टिकुलर एक घर बनाया जाता है, उनको कैबिन दिया जाता है, उनको भोजन की व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से होती है, एक दिन में दो बार उनका भोजन होता है, उनका फीड इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होने चाहिए, उनका जो है वो बीमारी की पहचान कैसे होनी चाहिए और किस किस प्रकार जो है उनको ट्रीटमेंट किया जाए, उसकी वैक्सीनेशन कैसे करनी है। और अगर आप बात करेंगे पिग की, तो पूरी दुनिया में 5 सबसे बुद्धिजीवियों में से एक, यानी कि इंसान को छोड़कर 5 सबसे बुद्धिमान जीवियों में से एक जो है वो पिग है। बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही इसमें नॉलेज होता है इसको, बहुत ही कुछ भी कर सकता है, गेम भी खेल सकता है। जो आउट ऑफ इंडिया में तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में तो इसको एज ए पेट पालते भी हैं, बट मैं उस क्षेत्र में नहीं जाऊँगा। मैं खाली एक एज ए व्यवसाय के रूप में इसको मैं जो कर रहा हूँ उसी में आपको सजेस्ट करूँगा। बहुत बड़ी मार्केट है, मोस्टली हमारे इंडिया में जो इसका बड़ा मार्केट है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो 7 सिस्टर्स हैं, असम, नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, ये जो है 7 सिस्टर्स है, यहाँ पर इसकी जो खपत है वो प्रचुर मात्रा में, बहुत बड़े लेवल पर खपत है इसकी। सो मैं आप सभी कृषि जागरण के दर्शकों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अगर ऑलरेडी किसान हैं या फिर आप आपकी कोई जॉब है या आपका कोई ऑलरेडी बिजनेस है, आप इसको एज ए साइड बिजनेस भी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो एक ऐसा जो है बीज है जो एक बहुत बड़ा पेड़ बनकर बहुत को फल देने वाला है। बट आप इसको सुचारू रूप से अगर करते हैं तो आपकी इनकम, बशर्ते जितनी आप फिगर चाहते हैं, आप चाहे आपका फिगर 1000 में है, लाख में है, करोड़ में है या उससे भी ऊपर है, तो आप इसमें फिगर अचीव कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आज तक जो सबसे बड़ा मसला है वो सिर्फ प्रोडक्शन का है, खपत का कभी कोई मसला नहीं रहा है पिगरी क्षेत्र में। सो मैं आप सभी को जो है वो आमंत्रित करता हूँ कि आप अगर इच्छुक हैं पिग फार्मिंग के, तो आप पिग फार्मिंग में आएँ और अपना भविष्य आप सिक्योर करें। और ये आप किसी भी इलाके में कर सकते हैं, भारत के किसी भी स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप इसको खोल सकते हैं। और अगर आप इसमें ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, बेहतरीन जानकारी लेना चाहते हैं, बहुत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बट आप हमारे चैनल पर भी, आप स्वास्तिक पिग फार्म करके हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। मैं एक बार फिर से कृषि जागरण का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा, जिन्होंने मेरे अपने बारे में और हमारे व्यवसाय के बारे में, खासतौर मैं ज़्यादातर पिग फार्मिंग को ज़्यादा मैं जो है वो प्रोत्साहित करता हूँ, क्योंकि लोग इसको बड़े ही हीन भावना से देखते हैं और बल्कि ये गलत है, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन व्यवसाय है, बहुत अच्छी इनकम देता है। मैंने हर तबके के लोगों को इसको करवाया है। अभी तक हमने जो है वो स्टार्ट किया था, हमारा जो ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किए थे वो हमारा पहला बैच था जून 2018 में हमारा पहला बैच था। उसके बाद में कारवां चलता गया और पूरे भारतवर्ष के लगभग हर स्टेट में हमने फार्म खुलवाए हैं। और रिसेंटली जो है, कोई भी आप पिगरी के रिलेटेड कोई भी जानकारी है, कोई सवालात हैं, एज पॉसिबल यथासंभव मैं आपको उसका जवाब दे सकता हूँ। आप जो है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर, हमारे चैनल पर आप विजिट कीजिए। और बहुत बहुत आपका आभार, अभिनंदन, शुक्रिया जो आपने अपना कीमती समय देकर हमें अपना समय दिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कृषि जागरण का। थैंक यू।